गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 11 का चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब होता है बच्चों, इफ मे बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो बच्चों, आजकल हम देखते हैं इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का बहुत यूज होता है। दुनिया का आधुनिक जितने भी मॉडर्न बिजनेस हैं वो धीरे धीरे जो है इंटरनेट से कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसमें व्यापार की एक नया मेथड आया है जिसे हम ई बिजनेस या ई कॉमर्स कहते हैं। बच्चों, आज इंटरनेट पर हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, ठीक है ना, और दुकान खोल करके दुनिया भर के कस्टमर से हम जा करके इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट पर एक कंज्यूमर जो होता है, जो माल का खरीदने वाला होता है, जो बायर होता है, वो इंटरनेट पर घर बैठे हुए माल का ऑर्डर भी दे सकता है, माल की सुपुर्दगी भी ले सकता है, ठीक है ना, माल की डिलीवरी भी ले सकता है और माल का पेमेंट भी ऑनलाइन बेस पर कर सकता है। अब देखो, सुपुर्दगी में दो तरीके की बातें आती हैं बच्चों। गुड्स की जो डिलीवरी होती है तो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है और एक फिजिकल डिलीवरी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, समझते हैं दोनों में। ऑनलाइन डिलीवरी में, अगर मान लो ऑनलाइन डिलीवरी हम कैसे कर सकते हैं, एक तो फिजिकल डिलीवरी होती है जो डोर टू डोर माल पहुंचा करके की जाती है, और एक वो होती है जो आपके कंप्यूटर और या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आ जाती है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है आपको, तो वो आपको आपके मोबाइल पर या आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा माल का सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर है या कोई बुक्स है या कोई जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या टिकट है, कोई आने जाने के लिए रेलवे की टिकट है या प्लेन की टिकट है या बस की टिकट है, या आपको जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर ही मिल जाएगी, आपको अवेलेबल हो जाएगी। सीडी है, टेप है, कोई आपको जो है मान लो क्लीनर मंगाना है, उसको जैसे ई स्कैन है इस टाइप का, तो वो आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भी ही अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप कार खरीदना चाहते हैं तो कार के बारे में आप जानकारी तो नेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, और जो है कार के बारे में कार की जितनी भी जानकारी चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, कार की प्राइस क्या होगी, कार में क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा फीचर है, ये हम नेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कार की डिलीवरी चाहिए तो कार का जो शोरूम का मालिक होगा वो आपके पास कार किसी एम्प्लॉय के माध्यम से कार की फिजिकल डिलीवरी देगा, क्योंकि उसकी डिलीवरी आपके नेट पर पॉसिबल नहीं है। तो दो प्रकार से डिलीवरी आपके हो सकती है। पेड ऑन डिलीवरी भी दो प्रकार की हो सकती है, आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी घर पर आकर के जो आपको माल देगा उसको दे दीजिए, या आप नेट के माध्यम से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपने बच्चों देखा, ये सारा ई बिजनेस के अंतर्गत आता है। अब ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। तो देखो, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, पहले ई कॉमर्स जानते हैं होता क्या है। ई कॉमर्स का मतलब होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है बच्चों, जिसके माध्यम से जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से पूरी की जाती है। अब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे माल की डिलीवरी है, माल का पेमेंट है, माल का ऑर्डर देना है, माल की सुपुर्दगी लेना है, डिलीवरी लेना है अथवा देना है, पेमेंट करना है, दीज आर द ऑल एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज। और इन सभी एक्टिविटीज़ को मिला करके हम क्या कहते हैं बच्चों, ई कॉमर्स कहते हैं इसी को, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स होता है। ई बिजनेस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या है, इसके माध्यम से जानते हैं। देखो, ई बिजनेस इज अ मोर बर्डन टर्म्स देन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का एक सहायक होता है ई बिजनेस। ई कॉमर्स कर्सेस अ फर्म
इंट्रैक्शंस विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से सप्लायर और कस्टमर आपस में जो है जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स ही नहीं है ई बिजनेस, बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। अब स्कोप ऑफ द ई बिजनेस, अच्छा एक VPN और होता है। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, होता क्या है बच्चों, आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि VPN क्या है। तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी वुड मीन्स देन एम्प्लॉयज डू नॉट हैव टू कम टू ऑफिस, इंस्टेड इन द वे ऑफ ऑफिस गोज टू देम एंड दे कैन वर्क फ्रॉम वेयर एवरी दे आर। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत एक एम्प्लॉय को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वरन वो ऑफिस को अपने घर पर ही नेट के माध्यम से बुला लेता है और घर पर ही बैठ करके जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उनको वो घर पर बैठ कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से पूरा करता है। इसी को कहते हैं बच्चों वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इन दिस एज ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंक विद इट। दिस हैज़ ब्रॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स कॉल्ड ई कॉमर्स, ई बिजनेस। नाउ वी आर कैपेबल फॉर रीचिंग द यूजर ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाई ओपनिंग अ शॉप ऑन इंटरनेट। द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स रिसीव एंड डिलीवरी एंड मेक देयर पेमेंट वाइल सिटिंग एट देयर होम ऑन द इंटरनेट। तो बच्चों आजकल आपने देखा होगा कोरोना काल से पहले का बिजनेस देखा होगा, कोरोना काल के काल में बिजनेस देखा होगा, दोनों में देखा होगा आपने कितना डिफरेंस हो गया। आदमी को इतना इस कोरोना ने सिखा दिया कि नेट के माध्यम से ही आजकल वो माल की डिलीवरी भी ले रहा है और माल का पेमेंट भी कर रहा है और माल के बारे में जानकारी भी प्राप्त वो जो है नेट के माध्यम से ही घर बैठे कर रहा है आजकल। हालांकि अब लॉकडाउन अनलॉकडाउन शुरू हो गया है जिसमें एक कस्टमर मार्केट में जाकर के भी माल खरीद रहा है, लेकिन जब संपूर्ण लॉकडाउन था उस समय आपने देखा होगा कि नेट के माध्यम से ही माल की परचेजिंग और डिलीवरी हो रही थी, पेड ऑन डिलीवरी। हालांकि फिजिकल डिलीवरी जिनका नेट के माध्यम से डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी उनकी फिजिकल डिलीवरी भी हो रही थी, ठीक है ना। तो इस कोरोना काल ने इस ई बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस कोरोना की वजह से हमारे देश का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का बिजनेस नेट के माध्यम से ही हो गया। ऑफिशियल वर्क भी जो है घर बैठे ही होने लगे। सारा बिजनेस जो अभी तक मार्केट के थ्रू होता था अब वो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू हो गया बच्चों। तो आई होप दैट ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि ई बिजनेस क्या होता है। अब देखते हैं हम बच्चों ई बिजनेस का स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का स्कोप हम चार तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, इंट्रा बी कॉमर्स बिजनेस और C2C बिजनेस और C2B बिजनेस। इस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं, ये फोर टाइप्स हैं आपके, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, इंट्रा बी बिजनेस कनेक्ट और C2C बिजनेस, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम जानकारी करेंगे। तो देखो B2B बिजनेस क्या होता है, इट इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटीज
इन विच टू फर्म्स और टू बिजनेसमैन्स बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल वन कैन बी प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर अ सप्लायर फर्म. दैट इज मारुति उद्योग बाइंग टायर्स डोर्स एक्सेट्रा फ्रॉम अदर फर्म्स. कहने का मतलब ये है बी टू बी बिजनेस में क्या है, बिजनेस टू बिजनेस होता है. आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई शोरूम है कार का, अब कार का शोरूम है वहाँ कार की बिक्री होती है, कार के पार्ट्स की बिक्री नहीं होती, लेकिन वो पार्ट्स किसी अन्य बिजनेसमैन से परचेज करती है. तो अन्य बिजनेसमैन से वो कार के पार्ट्स परचेज करती है, तब कहीं जाकर के वो दूसरों की कार को रिपेयर करके उनमें जो है उन पार्ट्स को चेंज करती है बच्चों. तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक होलसेलर है और एक रिटेलर है. तो रिटेलर जो होलसेलर से माल परचेज करता है तो इसमें एक सप्लायर होता है, दूसरा जो है बिजनेसमैन होता है जो माल की सप्लाई लेता है. तो हालांकि यहाँ कस्टमर और वेंडर दोनों होंगे, बायर भी होगा सेलर भी होगा, लेकिन वो बायर और सेलर दोनों ही कौन से होंगे, बिजनेसमैन होंगे. यहाँ देखो एक रिटेल सेलर है वो भी बिजनेसमैन है, तो वो माल को परचेज करता है होलसेलर से, होलसेलर कौन है, एक बिजनेसमैन है. तो यहाँ इस टाइप का जो बिजनेस होता है वो बी टू बी बिजनेस कहलाता है, बी टू बी कॉमर्स कहलाता है. लेकिन ये सारा जो बिजनेस होगा, ठीक है ना, तो ये थ्रो डिलीवरी और थ्रो मार्केटिंग बिजनेस होगा, थ्रो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा. नेट के माध्यम से ही हम जो है ऑर्डर देंगे और नेट के ही माध्यम से हम जो है उसका पेमेंट करेंगे, लेकिन डिलीवरी हम उसकी फिजिकल वे में लेंगे. दूसरा होता है बी टू सी कॉमर्स. यहाँ बिजनेसमैन कस्टमर को माल सप्लाई करता है, लेकिन किस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से. देखो बच्चों ये सब ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंतर्गत आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही होगा जो भी पेमेंट होगा, जो भी बिजनेस होगा, चाहे वो बी टू बी बिजनेस हो, चाहे वो बी टू सी बिजनेस हो, चाहे वो जो है कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में बिजनेस हो रहा हो. तो इस तरीके का बिजनेस जो होगा वो बी टू सी बिजनेस कहलाएगा. सपोज फॉर एग्जांपल एक रिटेल सेलर किसी कस्टमर को जो कि कंज्यूमर है, जो कि माल को कंज्यूम करेगा, उसको माल बेचता है, तो इस तरीके का बिजनेस हमारा बी टू सी बिजनेस कहलाता है. लेकिन ये बिजनेस भी कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होगा. तो बिजनेस टू कस्टमर इन दिस वे वन पार्टी इज फर्म एंड अदर पार्टी इज कस्टमर और कंज्यूमर. कंज्यूमर भी लिख सकते हो, कस्टमर के बाद में आप और कंज्यूमर भी लिख सकते हो. ऑन वन हैंड अ कंज्यूमर कैन सिक इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट. लेकिन कंज्यूमर उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है, इंटरनेट के थ्रू ले सकता है उसकी सारी जानकारी. अबाउट प्रोडक्ट प्लेस ऑर्डर्स, ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है. गेट सम आइटम्स एंड मेक पेमेंट. एंड ऑन द अदर हैंड द फर्म कैन मेक अ सर्वे एनी टाइम टू नो हु इज बाइंग. ठीक है, कौन खरीदता है उसे कोई मतलब नहीं है, जो 24 आवर्स कभी भी परचेज कर सकते हैं. कौन परचेज करता है, बिजनेस करता है, कंज्यूमर करता है, ये अफेक्ट नहीं है. एंड कैरी ऑल्सो नो द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर्स. इन मॉडर्न टाइम्स कॉल सेंटर्स हैं, कैन प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन. कॉल सेंटर के माध्यम से भी इनकी जो है जानकारी प्राप्त हो सकती है. इसके बाद में आता है बच्चों इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स. ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी हैं वो सारी बिजनेस एक्टिविटीयों को शामिल किया जाता है. ठीक है, कौन कौन सी हैं वो, एक जैसे इसमें जो बिजनेसमैन है दो बिजनेसमैन हो सकते हैं, व्यक्ति अथवा विभाग. एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो दोनों विभाग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. जैसे सपोज दैट आपके यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कनेक्ट होगा। इस तरीके का जो बिजनेस होगा वो आपका इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगा बच्चों। अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व्स इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द टू डिपार्टमेंट्स। देखो मैंने बताया ना, टू डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ऑफ द सेम बिजनेस, एक ही बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनल इंटरनेट इट अ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिंक हो जाएगा एंड गेट द कस्टमाइज गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो इस तरीके से जो है, दो विभाग जब आपस में कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे के इंटरेक्शन में रहें, तो इस प्रकार के बिजनेस को हम कहेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। सेम बिजनेस, एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट या दो से अधिक डिपार्टमेंट मिल जाएं। तो सी टू सी बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, इसे कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एंड कस्टमर्स। आपने देखा होगा कि दो कस्टमर होते हैं आपस में किसी ऐप के माध्यम से। मैंने आपको देखा, देखो जैसे कार डॉट सेल्स है जैसे, तो वहाँ पे कार को बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। तो वहाँ कस्टमर कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, उनका बिजनेस नहीं है करना। जैसे मुझे कोई अपना मान लो मोबाइल फ़ोन बेचना है, ठीक है ना, तो मैं एक साइट पर जाऊंगा और वहां पर अपने मोबाइल के बारे में जानकारी दे दूंगा। अब दूसरा कस्टमर होगा, देखो मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस तो है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे कस्टमर ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति अपना मोबाइल बेचना चाहता है, और जो ख़रीदने का इच्छुक होगा वो उसी नेट के थ्रू जो है उसको परचेज कर लेगा। तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है वो कस्टमर टू कस्टमर कनेक्ट होता है। सी टू बी बिजनेस, कस्टमर किसी बिजनेस को भी माल बेच सकता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि सी टू सी बिजनेस है उसी टाइप से सी टू बी बिजनेस है। अब बी टू ई कॉमर्स, बी टू ई कॉमर्स क्या होता है बच्चों, कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज एंड सेलेक्शंस एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा वाया बी टू ई कॉमर्स। इसको कहते हैं जब कोई हमें किसी को रिक्रूटमेंट करना हो, इंटरव्यू लेना हो, तो हम बी टू ई कॉमर्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी रैपिड टू द पर्सन रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरव्यूज एंड सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा, इसको कहते हैं बी टू ई बिजनेस। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ द ई बिजनेस, ई बिजनेस के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं बच्चों, अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड रीच, पहला बेनिफिट्स क्या होता है इसका, वर्ल्ड वाइड रीच। इंटरनेट गिव्स बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट। देखो अभी आप मार्केट में जाकर के कोई बिजनेस शॉप खोल करके कोई बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर आप एक लोकल एरिया में के बीच ही फेमस होकर के रह जाओगे। लेकिन अगर आप बी टू ई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हो, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हो, तो आप वर्ल्ड के सभी कस्टमर्स के साथ एक साथ जुड़ जाते हो, तो आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। न्यू कस्टमर्स कम्स इन कलेक्टेड विद देम, अपने आप ही नए कस्टमर जुड़ेंगे आपसे। दिस रिजल्ट इज इंक्रीज द सेल्स, इससे कि सेल्स बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेट्स ऑफ मिडिलमैन, दूसरी बात, जो मिडिलमैन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। सपोज दैट मैन्युफैक्चरर माल बेचता है किसको, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। तो देखो मिडिलमैन कई हो गए, होलसेलर मिडिलमैन हो गया, एक आपका रिटेलर हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल किसके किसके पास पहुँचाया जाता है, कस्टमर के। तो वो दोनों जो मिडिलमैन प्रॉफिट ले रहे थे, वो प्रॉफिट किसको मिल जाता है, डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है। तो मिडिलमैन की जो भूमिका होती है वो उसमें समाप्त हो जाती है, ये भी बेनिफिट है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, माल का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी होता है। डायरेक्ट मैन्यूफै एक साइट के माध्यम से माल का ऑर्डर जाता है,
और उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तैयार करती है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उसके पास कंज्यूमर्स के पास उस माल को पहुंचा देती है, तो इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट तो आता बच्चों लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता क्योंकि मिडिलमैन बीच में से समाप्त हो जाती है। जब मिडिलमैन की भूमिका जहाँ ख़त्म हो जाती है तो मिडिलमैन को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो डायरेक्ट किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट अगर आप कोई लॉन्च करना चाहते हो तो नेट के थ्रू आप उस पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाल सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कस्टमर को वहाँ से मिल जाएगी बच्चों, तो ये आप जो है नए प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकते हो। अगर उसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतारते हो तो मार्केट में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से भी बच जाओगे बच्चों। तो इस तरीके से इजी लॉन्च हो जाता है। मूवमेंट टूवर्ड्स द अ पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस वर्क होता है क्योंकि इसमें किसी भी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही उसकी स्लिप आ जाती है, ऑनलाइन ही सारी चीज़ हो जाती है बच्चों। तो ये आपके बच्चों ई बिजनेस के जो है प्रॉफिट्स थे, बेनिफिट्स थे जो आपने पढ़े। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं बच्चों, इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है लो पर्सनल टच, आप डायरेक्ट फिजिकल रूप से जैसे मार्केट में जाकर के माल को देखते हो, उसकी क्वालिटी को उसको पकड़ के देखते हो, छूकर देखते हो, कहीं से कटा फटा सड़ा गला तो नहीं है, ये जानकारी नेट के माध्यम से नहीं हो पाती है। अगला है इंकरेज बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, यहाँ पर ऑर्डर तुरंत ही फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन अगर वैसा बिजनेस करते हो आप, मॉडर्न एंशियंट बिजनेस करते हो तो उसमें आपको, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो उसमें आपको ये सारे काम में देरी होती है। नीड्स फॉर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है, तो टेक्नोलॉजी पर खर्चा होता है। कैपेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू बिजनेस फेयरली हाई डिग्री एंड द फेमिलर्स विद द कंप्यूटर वर्किंग, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास नहीं है तो पॉसिबल नहीं है इस तरीके का बिजनेस। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोमली एंड नॉन ट्रैकेबिलिटी ऑफ द पार्टीज, तो इस टाइप के बिजनेस में कंज्यूमर को भी थोड़ा डाउट रहता है और डाउट उसको भी रहता है बिजनेसमैन को भी। पीपल रेजिस्टेंस, पीपल हैव टू टेंडेंसी टू रजिस्टर चेंज करने में भी प्रॉब्लम आती है गुड्स को, अगर कोई गुड्स ख़राब आ गया तो आप उसको चेंज आसानी के साथ नहीं कर सकते बच्चों। तो आज हमने बच्चों ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जाना, ई कॉमर्स बिजनेस में ई बिजनेस के जो है कौन कौन से ई बिजनेस होते हैं, इसका क्या स्कोप होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, डिलीवरी कैसे कर सकते हैं माल की और माल का पेमेंट किस टाइप से कर सकते हैं, B2B बिजनेस क्या होता है, B2C बिजनेस क्या होता है, इन सारे बिजनेस के बारे में हमने बच्चों आज जानकारी प्राप्त की और साथ ही ई बिजनेस के प्रॉफिट्स, ई बिजनेस के लिमिटेशंस, इनके बारे में जाना। अब ठीक है तो बच्चों गुड डे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।